बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वाहिद धनानी है। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह जो सेविंग होम इकबाल एडवानी की जानिब से ये जो एक दिन का फ्री मेडिकल कैंप का जो इनेकाद किया गया है, ये नानकवाड़ा का इलाका है, जहाँ से यहाँ से जूना मार्केट, ली मार्केट और पीछे भीमपुरा, ये सारी जो आबादी है ये काफ़ी गरीब आबादी है और ये ओल्ड एरिया सिटी कहलाता है और काफ़ी गुंजान आबादी है यहाँ पर। मैं कहता हूँ इस जगह का जो इंतखाब है, एक तो सबसे पहले तो मैं इस पर जो ये इकबाल एडवानी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इन्होंने ऐसी जगह का इंतखाब किया है जहाँ गरीब आबादी बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ़ जगहों से हैं, मतलब भीमपुरा से भी आती है, ली मार्केट का इलाका है और नानकवाड़ा का ये इलाका है, पान मंडी का ये जो इलाका कहलाता है, काफ़ी गरीब आबादी है और हर किस्म के जो है वो लोग यहाँ पर बसते हैं। तो इस गरीब आबादी के अंदर माशाल्लाह ये जो इकबाल एडवानी साहब ने जो ये फ्री मेडिकल कैंप का जो इनेकाद किया है, यहाँ आप देख रहे हैं माशाल्लाह सुबह से एक जमे गफीर लगा हुआ है मरीज़ों का और काफ़ी मरीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब चेकअप भी सब हो रहा है और इसके अलावा इनको दवाइयाँ भी फ्री में दी जा रही है और इसके अलावा आसमानी के ताउन से जो मरीज़ हैं जिनका अगर ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी जो है वो किए जाएंगे। मतलब ये कहने का ये है कि अल्लाह ताला अपने लोगों को चुनता है। पैसा तो सबको है, सबके पास है, बहुत सब के पास है, लेकिन जो एक नेकी का जो जज्बा है वो ये बहुत कम लोगों में होता है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जा जा के ये मेडिकल कैंप लगाना माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इस अमल को कबूल करे और इखलास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, इखलास के साथ अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल करे और हम भी आ जाते हैं कि हमारा भी थोड़ा सा नेकी में हिस्सा हो जाएगा तो इकबाल एडवानी साहब हमें बुलाते हैं तो हम भी हाज़िर हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम।